तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है, क्या आपने की है कि जब हम कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, हम कहीं जा रहे होते हैं, कार में होते हैं, ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं, तो हमारी बैटरी जो फ़ोन की बैटरी होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। हम ये देखते हैं कि हमारे फ़ोन की बैटरी पूरे एक दिन चल जाती है या दो दिन चल जाती है, लेकिन सफ़र कर रहे होते हैं तो बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसके पीछे कारण क्या है, आज हम ये जानेंगे। बहुत ही सिंपल है और बहुत मुश्किल भी है उन लोगों के लिए जो लोग नहीं जानते, कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। देखिए, जब हम सफ़र करते हैं तो हमारे फ़ोन का जो नेटवर्क होता है, जैसे कि हम कहीं लॉन्ग सफ़र, मैं लॉन्ग रूट की बात कर रहा हूँ, जैसे अलग स्टेट में जा रहे हो, कहीं छुट्टी पे कहीं दूर जा रहे हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो जो कि एक दो दिन का सफ़र है, जैसे कि आप जा रहे हो जम्मू कश्मीर से लेके आप मध्य प्रदेश जा रहे हो, या आप साउथ से लेके यूपी जा रहे हो, मतलब लंबा सफ़र कर रहे हो, तो इसमें ऐसा क्या होता है कि बैटरी ख़त्म हो जाती है कि आपका फ़ोन टावर चेंज करता है, नेटवर्क चेंज करता है, डेटा प्रोवाइडर चेंज करता है। जी हाँ, जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो आपका जो फ़ोन है वो नियरेस्ट टावर से नेटवर्क लेता है, लेकिन वो नियरेस्ट टावर कुछ ही वक्त तक नियरेस्ट रहता है। हम सब सफ़र करके आगे चले जाते हैं तो वो दूर हो जाता है, तो हमारा फ़ोन फिर दोबारा एक नियरेस्ट टावर सेलेक्ट करता है कि अब इससे पास कौन है, इससे पास कौन है, इससे, तो टावर चेंज होते रहते हैं, तो हमारे फ़ोन को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जो भी नेटवर्क है उसे बार बार सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो तो ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरनेट जहाँ से डेटा ले रहा है, नेटवर्क से ले रहा है, नियरेस्ट उससे ले रहा है, तो वो चेंज करता रहेगा। अब चीज़ें और ज़्यादा ख़राब तब हो जाती है जब अपने फ़ोन का GPS ऑन होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि नॉर्मली लोग बाई डिफ़ॉल्ट ऑन करके रखते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज़ में या जब ट्रैवल करते हैं तो लोगों को मैप पर देखने का शौक होता है कि हम अभी कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें, आपका डेटा, आपका नेटवर्क और आपका GPS, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है आपके फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म होने के लिए। अब आप समझ गए कि सफ़र करते हो तो बैटरी जल्दी क्यों ख़त्म होती है। इस चीज़ को देखते हुए इसी चीज़ से थोड़ी सी जुड़ी हुई चीज़ भी है कि आपको जब एरोप्लेन में आप जाते हैं, जब फ्लाइट से सफ़र करते हैं, तो आपके फ़ोन के नेटवर्क को बंद करने के लिए बोल दिया जाता है, कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उन्हें या तो बंद कर दीजिए या तो उन्हें फ्लाइट मोड पर लगा दीजिए। अब ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि जो भी कम्युनिकेशन होता था प्लेन का, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती थी और आपके जो मोबाइल फ़ोन की फ्रीक्वेंसी वो सेम होती है, इंटरफेरेंस ना क्रिएट करते, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, लेकिन फिर भी गाइडलाइंस हैं ये देखते हुए कि आप जब ऊपर जा रहे हैं तो आप वहाँ बहुत तेज़ सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन की स्पीड कम होती है, प्लेन की स्पीड बहुत होती है, तो और ज़्यादा रैपिडली आप नेटवर्क चेंज करेंगे। तो अगर आप प्लेन में अपना ऑन करेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कानून है, ये नियम है, आपको उसे पालन करना है, लेकिन अगर आप करेंगे, मान के चलते हैं, तो आप नेटवर्क बहुत जल्दी चेंज करेंगे, इससे नेटवर्क में कंजेशन आ सकती है, अगर दो तीन लोग ऊपर हैं और जा रहे हैं तो, और बाकी जो ऊपर आपने उसके ऊपर जा रहे हैं ना टावर के, तो नीचे वाले लोगों को नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है और ऊपर से आपके फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी जाएगी। तो ये पूरा सिद्धांत है, पूरी चीज़, प्रिंसिपल, रूल, जो भी आप कहना चाहते हो, वो सारी चीज़ें हैं, इसीलिए सफ़र करते वक्त आपकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ आपको आंसर मिल गया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, आप भी एक एथिकल हैकर बनना चाहते हो, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, कोई बात नहीं, आप स्कूल में पढ़ते हो, कोई बात नहीं, कॉलेज में पढ़ते हो, कोई बात नहीं, जॉब करते हो, कोई बात नहीं, आप एक एथिकल हैकर बन सकते हो, वो भी हिंदी में, आसान भाषा में। वीडियो कोर्सेज मैंने लॉन्च किए हैं, 3 हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कोई भी एक चुन लो और उसे पढ़ो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।